डिस्क्लेमर, ये एनएम हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहां पर किलर भी नारुतो को कहते हैं कि तुम्हारा चाक्रा फॉर्म तो कितना अच्छा है। रात के से अटेम्प्ट हम इसमें उजाले में देख पाते हैं, जहां पर नारुतो के चाक्रा फॉर्म की वजह से उजाला हो रहा होता है। जहां पर एयरटेल यहाँ पर किलर भी को कहते हैं कि हे, तुम उसके चाक्रा फॉर्म को एक टॉर्च की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना कि अगर नारुतो का पूरा चाक्रा खत्म हुआ तो नाइनटेल फॉक्स क्या करेगा, क्योंकि नाइनटेल फॉक्स नारुतो का अब दोस्त नहीं बना है, इसलिए वो नारुतो के साथ कुछ भी कर सकता है। जहां पर किलर कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग बस थोड़ा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, अंधेर में आखिर देखेंगे कैसा। और यहाँ पर नारुतो अपने चाक्रा फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पर नारुतो को नाइनटेल फॉक्स आवाज़ दे रहा होता है। जहाँ पर नाइनटेल फॉक्स को देखने के लिए नारुतो अपने मन में चले जाता है, और यहाँ पर नाइनटेल फॉक्स जो रहता है वो नारुतो को आँख खोलता है और नारुतो को कहता है कि तुम्हारे साथ फिर से बुरा हुआ, तुम्हारे अपने ही फिर से तुम्हें धोखा दे रहे हैं, जैसा आज हुआ, जैसा आज हिरुका सेंसे ने तुम्हारे साथ वाटरफॉल के पास किया। जहाँ पर हमें पास का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर नारुतो हिरुका सेंसे को कहता है कि क्यों आपने मुझे झूठ क्यों बोला। जहाँ पर हिरुका सेंसे कहते हैं हमें तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, इसलिए तुमसे झूठ बोलना पड़ा और इसलिए हमने तुम्हें अंदर रखा। जहाँ पर नारुतो कहता है तुम मुझे बुद्धू मत बनाओ, तुम मुझे बस उलझाने की कोशिश कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं मैनिपुलेट हो जाऊँ और मैं अपना पूरा भरोसा खो दूँ और अपना पूरा कॉन्फिडेंस खो दूँ और ताकि मैं सभी लोगों से हार जाऊँ। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ज़रा भी नहीं होने वाला, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, तुम मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर सकते। जहाँ पर नाइनटेल फॉक्स ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और वो कहता है तो बच्ची के पास थोड़ी अकल आ चुकी है पहले से। जहाँ पर नारुतो कहते हैं मैं तुम्हारे जैसे पहले की तरह झांसे में नहीं फंसने वाला, और जो तुम्हारी पहले चाल चलती थी वो चाल अब मेरे पे नहीं चलने वाली, जो तुमने चला दी थी मेरे पे। तभी हमें एक सीन दिखाई देता है जहाँ पर नाइनटेल फॉक्स का चाकरा लेते हुए नारुतो नाइनटेल फॉक्स की बुराई भी ले रहा होता है। अब यहाँ पर नारुतो नाइनटेल फॉक्स को कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए बात करने के लिए टाइम नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, तो अगर तुम्हें किसी से भी बात करनी है तो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास टाइम नहीं है। और गुड बाय कहते हुए नारुतो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पर नाइनटेल फॉक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं नारुतो, और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पूरी दुनिया में बुराई मिटा दोगे, तुम्हें क्या लगता है तुम ये पूरी वॉर ख़त्म कर दोगे, ये कभी नहीं होने वाला, तुम्हें जो लग रहा है वो कुछ नहीं होगा, लोगों के अंदर बुराई पहले से ही है, बुराई कभी नहीं खत्म होने वाली और तुम कभी नहीं जीतने वाले, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मत सोचना। और नाइनटेल फॉक्स को इसलिए भी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि नारुतो वहाँ से जा रहा होता है और उसकी बेइज्जती किया होता है, इसलिए यहाँ पर नाइनटेल फॉक्स बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो नारुतो रहता है वो भी गुस्से में नाइनटेल फॉक्स की तरफ घूर कर देखता है, जिससे नाइनटेल फॉक्स थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। फिर नाइनटेल फॉक्स कहता है लोगों के अंदर बुराई कभी नहीं खत्म होने वाली, वॉर से हमेशा और लड़ाई होगी, लोगों के अंदर वॉर से और नफरत बनती है। जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि एक शिनोबी वो मर चुका रहता है और उसका दोस्त उसकी लाश के पास बैठकर रो रहा होता है क्योंकि उसका दोस्त मारा जाता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो जेत्सु रहता है वो जिंदा बच जाता है और वो जेत्सु उठने वाला रहता है, पर तभी वो शिनोबी जो मर चुका रहता है उसका दोस्त उठ के आता है और व्हाइट जेत्सु को मारने लगता है। नाइनटेल फॉक्स कहता है लोगों के अंदर और बुराई आएगी और लड़ाई में और कुछ नहीं होगा, लोगों के अंदर और दूसरे से लड़ने के लिए बुराई आते रहेगी, होता है बुराई कभी किसी के अंदर से नहीं जाती। क्या हुआ तुम्हारा दोस्त का क्या हुआ, वो तो पहले तुमसे चिढ़ता था और उसके बाद तो अब वो और भी ज़्यादा तुमसे चिढ़ने लग गया है। तुम्हें याद है ना वो पहले का सीन जब तुम्हारे साथ और सास्के की फाइट हुई थी, जहाँ पर हमें भी पहले का सीन याद आता है जहाँ पर एकेडमी में एक फाइट रहती है, जहाँ पर एक प्रैक्टिस फाइट में दो शिनोबी को सामने आकर एक दूसरे से लड़ने का रहता है। जहाँ पर नारुतो सोच रहा होता है कि मैं किससे लड़ूंगा, क्या वो मैं उस बच्चे से लड़ूंगा जो हमेशा कोर्ट में रहता है, या उससे लड़ूंगा जिसके सर पे हमेशा पपी रहता है, या फिर मैं उससे लड़ूंगा जिससे मैं हमेशा चिढ़ता हूँ सास्के से। और यहाँ पर वो उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हिरुका सेंसेई चोजी और शिकामारू को फाइट करने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं फाइट से पहले एक दूसरे को अपना बाव करेंगे और उसके बाद लड़ाई शुरू करेंगे।
जहाँ पर जो चोजी रहता है वो कहता है कि मैं शिकामारू से नहीं लड़ सकता। जहाँ पर शिकामारू कहता है मुझे ये नहीं लड़ना है, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, और ये कहकर शिकामारू वहाँ से जा रहा होता है। तो इरुका सेंसेई कहते हैं तो ठीक है, अगर तुमसे लड़ना नहीं है तो लड़ने से पहले अगर अपनी जो परंपरा है वो तो पूरी करके जाओ, एक दूसरे से हाथ मिला के जाओ। जहाँ पर इनु जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है हे लड़ो तुम लोग, तुम लोग कितने सुस्त हो, तुम लोग एक दूसरे से लड़ो जरा। जहाँ पर सोकरा कहती है क्या इनो तुम उन दोनों बच्चों को जानती हो। जहाँ पर इनो कहती है हाँ हमारे पेरेंट्स एक दूसरे के दोस्त है। जहाँ पर लड़ाई खत्म होने के बाद एक दूसरे को अपना हाथ मिलाना है और उसके बाद वहाँ से जाना है। जहाँ पर शिकामारू और चोजी अपना हाथ मिलाते हैं दो उंगली से और उसके बाद वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर इरुका सेंसेई अपने लिस्ट देखते हैं और अगला नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि अगला आने वाला है वो है सास्के उचिहा। यहाँ पर सभी लड़कियाँ सास्के उचिहा चिल्ला रही होती है और सास्के यहाँ पर लड़ने के लिए आगे जाता है। और दूसरा नाम रहता है नारुतो उज़ुमाकी। जहाँ पर नारुतो लड़ने जाता है सास्के से आगे और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं और उन दोनों की फाइट शुरू होने वाली रहती है। जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर सास्के को चेयर कर रहे होते हैं और नारुतो कहता है मैं इसे हरा दूंगा। जहाँ पर इरुका सेंसेई कहते हैं कि फाइट के मुताबिक तुम्हें पता है ना, फाइट से पहले तुम दोनों को भाव करना है और फाइट खत्म होने के बाद तुम दोनों को अपनी दो उंगलियों को एक साथ मिलानी है। इसका ये साइन होता है दोस्ती का साइन, इसलिए हमें लड़ाई खत्म होने के बाद ये दोस्ती का साइन बना के जाना है। और तभी यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो इरुका सेंसेई की बात को अनसुनी करते हुए यहाँ पर खड़े रहता है। तभी यहाँ पर इरुका सेंसेई कहते हैं चलो लड़ाई शुरू करने के लिए खड़े हो जाओ, पोजिशन में आओ। जहाँ पर सास्के यहाँ पर खड़े हो जाता है और यहाँ पर सास्के जैसी फाइट स्टार्ट होती है सास्के अचानक से बहुत ही तेजी में नारुतो के ऊपर हमला करता है और नारुतो को वो गिरा देता है। पर वो नारुतो को पंच नहीं मारता, अगर वो चाहता तो वो नारुतो को पंच मार सकता था, पर वो रुक जाता है। तभी नारुतो यहाँ पर सास्के की आँख में वही सेम बुराई देखता है और वही सेम डर देखता है जो उसे अपने अंदर दिखा देता है। जैसा सभी लोग उसको देखते हैं तो उसे वैसे ही फील होता है कि सास्के के अंदर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जैसे वो सेम ही हो, वो दोनों एक। जहाँ पर नारुतो कहते हैं सास्के को क्या हुआ, तुम डर गए, डर के भाग गए, डरपोक, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा, देख लेना। जहाँ पर सभी लोग नारुतो को कहते हैं ये तो लूजर है। जहाँ पर इरुका सेंसेई नारुतो को मारते हुए कहते हैं चलो दोस्ती की साइन बनाओ, ज्यादा झगड़ा मत करो। जहाँ पर वो दोनों दोस्ती की साइन बनाने की जगह एक दूसरे के कॉलर पकड़ लेते हैं। जहाँ नारुतो और सास्के एक दूसरे के कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं लगता तुम्हें और मार खाना है। जहाँ पर नारुतो सास्के को चिढ़ाते हुए वहां से भाग जाता है। जहाँ पर नाइनटेल फॉक्स कहता है उस दिन के बाद से तुम दोनों के अंदर और बुराई रही और वो बुराई और तरीके से बढ़ते रही और तुम्हारा झगड़ा आज इतना बढ़ चुका है कि देखो उसके बाद तुम्हारे पास फाइनल वैली पे एक लड़ाई हुई थी। जहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनल वैली के पास नारुतो और सास्के की बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई हुई थी जिसके बाद सास्के ओरोचिमारू के पास चले गया था। और नाइनटेल फॉक्स कहता है कि तुमने देख लिया उसके बाद सास्के जरा भी बदला, क्या उसके अंदर अच्छाई आई, क्या वो सुधरा, नहीं उसका पूरा उल्टा हो गया, सास्के और ज़्यादा बुराई हो गया, उसके अंदर जितनी भी बची कुची अच्छाई थी वो सभी भी बुराई में कन्वर्ट हो गई और वो इतना बुरा हो गया कि वो सभी को मारना शुरू कर दिया। देख लिया वॉर से कुछ नहीं होता, तुमने अपने दोस्त को नहीं बचा पाए, तुम अपने को विलेज में नहीं ला पाए, आखिर तुम क्या कर रहे हो फिर। जहाँ पर नाइनटेल फॉक्स यहाँ पर नारुतो को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है पर तभी यहाँ पर नारुतो कहता है मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और तभी यहाँ पर वो नाइनटेल फॉक्स की सील के अंदर आगे की तरफ बढ़ता है। जहाँ पर वो अपना एक हाथ को ऐसा लेता है और ऊपर रखकर ऐसा हाथ को नीचे की तरफ करता है। जहाँ पर ऊपर से एक पिलर जो रहता है वो नाइनटेल फॉक्स की गर्दन पे गिर जाता है जो नारुतो ने ही लाया होता है और ये पिलर की मदद से नाइनटेल फॉक्स की गर्दन फंस जाती है। और नाइनटेल फॉक्स के आँखों के पास आकर नारुतो कहता है देख लेना एक दिन ये पूरी दुनिया को मैं बदल दूंगा, एक दिन ये पूरी दुनिया पीसफुल हो जाएगी और ये दुनिया को मैं बदल के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ पर नाइनटेल फॉक्स याद करता है कि ये सब मिनाटो की वजह से हुआ, मिनाटो ने मुझे एक बच्चे के अंदर सील किया। जहाँ पर उसके बाद नाइनटेल फॉक्स ने नारुतो के अंदर इवॉल्व हुए बिहेवियर को देखते गया। जहाँ पर नारुतो बड़ा होते गया और उसको समझ आते गए। जहाँ पर एक टाइम था जहाँ नारुतो ने उसे चाकरा देने के लिए कहा था और एक टाइम जब था जब नाइनटेल फॉक्स का चाकरा नारुतो खुद पाने के लिए आया था उससे लड़कर और उसको हरा कर उसने चाकरा भी ले लिया। और नाइनटेल फॉक्स अपने नारुतो के बारे में सोच रहा होता है कि नारुतो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। और यहाँ पर जो नाइनटेल फॉक्स का चाकरा लेने के बाद नारुतो चाकरा मोड में चले जाता है
और नाइनटेल फॉक्स ये सब सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि नरूटो यहाँ पर नाइनटेल फॉक्स की आंख के पास खड़े रहता है और उसे कहता है कि मैं एक न एक दिन दुनिया बदल दूंगा। जहाँ पर नाइनटेल फॉक्स यही सोच रहा होता है कि ये पहले से बड़ा हो चुका है और नाइनटेल फॉक्स जोर से चिल्ला कर कहता है, तो बच्चा बड़ा होने की कोशिश कर रहा है, बच्चे को लग रहा है कि वो बड़ा हो गया है, बड़ा होने का सोच रहे हैं अपने आप को। जहाँ पर नरूटो कहता है कि तुम जो सोचो वो, मैं बड़ा तो हो गया हूँ और साथ ही साथ मैं ताकतवर भी हो गया हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ कि एक दिन मैं तुमको भी बदल दूंगा और एक दिन मैं तुमको इतना बदल दूंगा कि तुम भी अच्छे बन जाओगे और तुम भी अंदर से अच्छे ही हो और एक ना एक दिन मैं तुम्हें भी चेंज कर दूंगा। और ये कहकर नरूटो नाइनटेल फॉक्स को बाय बोल के आगे बढ़ता है, जहाँ पर नाइनटेल फॉक्स जोर से गुस्से में नरूटो को चिल्ला रहा होता है। नरूटो यहाँ पर आगे की तरफ अंधेरे में जा रहा होता है और वो आगे बढ़ रहा होता है और वो यही सोच रहा होता है कि उसे अब ये पहले वॉर खत्म करनी होगी और उसके बाद उसे सास्के से भी फाइट करनी है। जहाँ पर नरूटो सोचता है कि नाइनटेल फॉक्स को मैं एक ना एक दिन बदल दूंगा, पर नाइनटेल फॉक्स में हमेशा मुझे इसी तरीके से देखना चाहिए जैसे वो मुझे देखते आया है। नाइनटेल फॉक्स मुझे बचपन से देखते आ रहा है और वो एकदम मेरे मॉम और डैड की तरह मुझ पर नजर रख रहा है जैसे मेरे मॉम और डैड रखते हैं, और एक ना एक दिन मैं सास्के के ऊपर भी ऐसे ही नजर रखूंगा। नरूटो सोचता है कि मैं चाहता हूँ कि थोड़े दिन और नाइनटेल फॉक्स इसी तरह नरूटो को देख सके और उसे उसके पर नजर रख सके। तभी यहाँ पर किलर भी नरूटो को फिस्ट को टच करने के लिए कहते हैं। जैसे ही नरूटो फिस्ट टच करता है, यहाँ पर किलर भी को पता चल जाता है कि नरूटो और यहाँ पर जो नाइनटेल फॉक्स है उसके बीच में कॉन्वर्जेशन हुई है, और किलर भी कहते हैं तो तुम्हारी नाइनटेल फॉक्स से बात हुई। जहाँ पर नरूटो कहता है हाँ मेरी कुछ बात हुई उससे, और वो कहता है कि मुझे अब जल्द से जल्द आगे की तरफ बढ़ना है और ये हम करके रहेंगे, और ऐसा करके नरूटो आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है।